नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज हम आपको बतलाने वाले हैं CCTV के बारे में। जी हाँ दोस्तों, CCTV के बारे में, मकान से लेकर दुकान तक और रेलवे स्टेशन से लेकर हवाई अड्डे तक हर जगह CCTV, चौक हो चौराहा हो, हर जगह CCTV ही लगा होता है दोस्तों। सिक्योरिटी के लिए इस समय हर जगह देखते हैं कि CCTV लगा होता है दोस्तों। तो आज हम आपको CCTV के बारे में बतलाएंगे कि उसमें कैसे क्या क्या होता है और क्या क्या लगा होता है, कैसे काम करता है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं दोस्तों। तो अब ऐसे ही हमारे वीडियो देखिए और ऐसे ही नए नए टिप्स और नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को दबाइए, लाइक भी करिए। चलिए दोस्तों, तो अब हम आपको दिखाते हैं कि CCTV को क्या क्या होता है उसमें और कैसे कैसे वो काम करता है। ये CCTV कैमरा है दोस्तों, इसका ये वायर है, यहाँ पे कनेक्टर्स लगे हुए हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये है वीडियो के लिए और ये है DC के लिए। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो के लिए है और यहाँ पे DC कनेक्टर लगता है, और यहाँ पे वीडियो कनेक्टर जो BNC कनेक्टर होता है वो यहाँ पे लगता है दोस्तों। ये हमारे CCTV का वायर है। उसके बाद हम आपको बतलाते हैं कि कैसे इसको करेंगे। फिर यहाँ पे ये हमारा DC क्या बोलते हैं, ये CCTV है, कैमरा है। ये CCTV डोम कैमरा है दोस्तों। CCTV कैमरा अलग अलग प्रकार की आती हैं, तो अलग अलग जगह इसके यूजेज हैं। तो ये जो डोम कैमरा है, ये ज़्यादातर घर ऑफिस के अंदर ही यूज होता है, यानी ये इंटरनल इसको यूज करते हैं दोस्तों। तो चलिए हम इसको खोलते हैं और इसमें क्या क्या है दोस्तों। तो ये हो जाता है हाउसिंग। ये जो ऊपर का इसका मेक जो बॉडी है, ये हाउसिंग हो जाता है, इसको हाउसिंग बोलते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, ये हाउसिंग होता है। ठीक है, ये ऊपर से अगर ऐसा लगता है तो इसको थोड़ा सा प्रोटेक्ट करता है कैमरे को। ठीक है, इसके बाद इसको ओपन करते हैं। इसमें लॉक होते हैं दोस्तों, इसमें लॉक होते हैं, बहुत सारे होते हैं। यहाँ पे पेंच लगे होते हैं, पर इसमें पेंच की जगह नहीं दिया है, तो इसमें क्यों लॉक है। लॉक इसको घुमाएंगे ऐसे, देखिए ऐसे घुमाएंगे और ये खुल जाएगा दोस्तों, देख सकते हैं आप यहाँ पे। अब देखिए, इसमें बहुत सारे ये लगे हुए हैं, तो हम आपको दिखा, इसमें आप खोलते हैं और आपको एक एक करके आपको बतलाते हैं कि इसमें क्या क्या लगे होते हैं, किसका क्या काम होता है दोस्तों। तो चलिए हैं दोस्तों, तो हम इसको आप ओपन करते हैं और आपको बतलाते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है दोस्तों, ये IR होता है। ठीक है दोस्तों, ये IR होता है और इसमें बहुत सारी LED होती है। यहाँ पे एक सेंसर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक सेंसर लगा होता है। ये डे और नाइट विजन सेंस करने के लिए लगा होता है। अगर जैसे ही ये सेंस करेगा कि अगर नाइट हो गया तो सारी LED जल जाएगी ऑटोमेटिक, और ये सेंस करेगा कि अगर डे होगा तो ये सारी LED बुझ जाएगी, और जैसे ही ये सेंस करेगा कि नाइट हो गया तो सारी LED जल जाएगी दोस्तों। तो ये डे और नाइट में दोनों में काम करेगा। ठीक है, तो इसमें दिखाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, एक कनेक्टर होता है। अब बहुत यहाँ पे एक ही कनेक्टर होते हैं जो इसको सेंस, यहाँ पे सेंसर के लिए लगे होते हैं, तो यहाँ पे एक ही कनेक्टर लगे होते हैं। उसके बाद देखिए, ये होता है इसके पावर केबल, जो IR को पावर देते हैं, वो ये पावर केबल होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा हैवी होता है, तो ये सेंसर के पावर देने के लिए होता है दोस्तों। ये हो गया आपका IR। ये अलग अलग LED के अलग अलग, इसमें मतलब बहुत सारे और भी LED आते हैं, अलग अलग साइज के अकॉर्डिंग और कैमरा के अकॉर्डिंग आते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसको हम खोलते हैं। यहाँ पे दो ठो पेंच लगी हुई है, पेंच निकालते हैं। एक यहाँ पे है, देखिए दोस्तों, तो आप देख रहे हैं दोस्तों, आपके सामने ये पूरी तरह खुल चुका है। ठीक है, और इसके बाद हम आपको बतलाते हैं। देखिए दोस्तों, तो ये जो है, यहाँ पे देखिए, ये जो कनेक्टर एक यहाँ पे लगा हुआ है, एक कनेक्टर जाता है कहाँ पे, IR कट के जो सेंसर होता है उसके लिए, और एक जो है इसमें, ये जो जाता है पावर के लिए, IR के लिए। ठीक है, और ये जो एक और कनेक्टर आप देख रहे हैं, ये वाला, ये जो जाता है IR कट एंड कैचर के लिए,
जिस पे आईआर कर्टन कैचर लगा होता है, जिसमें लेंस कसा होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम निकालते हैं। और ये जो क्या, तो ये जो येलो वाली वायर है ये वीडियो के लिए होता है, ये ग्राउंड होता है, और ये जो और ये प्लस होता है, तो यानी ये जो दो ठो है, दो पिन, ये दो पिन सप्लाई के लिए है और एक एक वीडियो के लिए है। ठीक है दोस्तों, तो इसको निकालते हैं, फिर आगे हम आपको बताते हैं कि और इसमें क्या क्या लगे हैं। ठीक है, तो ये तो वायर हो गया। आपको मार्केट में अगर चाहेंगे तो आपको इस तरह से वायर अलग से मिल जाते हैं अगर। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद दोस्तों आते हैं यहाँ पे, देख लीजिए आप कि इसमें और क्या क्या लगे हैं। ये मैं वायर निकाल देता हूँ यहाँ पे, देखिए ये मैंने वायर निकाल दिया ऐसे। ठीक है, फिर इसका आयर कटर कैचर का भी मैंने लेंस ये निकाल दिया। फिर मैं इसको खोलता हूँ, हाँ दोस्तों। अब ये जो होता है कैमरे का पीसीबी होता है, यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ये होता है कैमरे का पीसीबी। आप देख सकते हैं कैमरे का ये है पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। और जो आप ये जो लाइट आ रही है, यहीं से आपका कैमरे का जो पिक्चर बनता है, पिक्चर क्वालिटी जो बनता है, यहीं से बनता है। इसके ऊपर लेंस लगी होती है, वो दूरी को कैप्चर करती है और क्लियरिटी लाती है। बाकी जो आप देख रहे हैं कि कितने कलर के, देखिए आप को सामने कैसे कैसे ये कलर आ रहे हैं, जो सातों कलर इसमें इनबिल्ट हैं और सातों कलर इसमें आते हैं, ये ओके है। और ये कैमरे का पीसीबी है, आप देख सकते हैं, और ये ओके पीसीबी है, एकदम चल रहा है कैमरा यहाँ पे, और इसको प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस पे लेंस लगा हुआ है, जो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं खोलकर दोस्तों, इसमें ये होता है आईआर कट एंड कैचर, ये वाला आईआर कट एंड कैचर होता है। उसके ऊपर ये देखिए लेंस लगा हुआ है, कैमरे का ये लेंस लगा हुआ है, जो हम आपको बताते हैं। देखिए आप देख सकते हैं कि 3.6 mm 3 megapixel HD लेंस है, जो ये जो लेंस है 3.6 mm का है, 3 megapixel HD लेंस है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आपको एक लाइट दिखाई दे रहा है, लाइट बोले तो इसमें के अंदर आप देखिए एक कांच का दिखाई दे रहा है, यानी शीशे टाइप में एक दिखाई दे रहा है। तो होता है जैसे ही आईआर सेंस करता है कि नाइट हो गया है, वो तुरंत घूम जाता है। तो आप जैसे आप ध्यान देंगे रात को, तो ये कट कट की ऐसे जब से चेंज होगा तो कट की आवाज़ आती है। अगर कट की आवाज़ आ रही है सेंसर पे, अपने अगर उंगली रखेंगे, यानी जो ये है, अगर इस पर आपने उंगली रखा, अगर आपके कैमरे में कट की आवाज़ अगर नहीं आती है, तो कट की आवाज़ नहीं आती है तो आपका कैचर कट एंड कैचर खराब हो सकता है। अगर आपका नाइट विजन कैमरा है, अगर काम नहीं करता है, तो आपका कट एंड कैचर खराब हो सकता है। तो इसको चेंज कर सकते हैं, मार्केट में इजीली मिल जाती है आपको। तो ठीक है दोस्तों, फिर हम आप इसको असेंबल करते हैं। ठीक है, चलिए, जो मैंने जैसे जैसे खोला मैंने, उससे फिर इसको मैं फिट कर देता हूँ दोस्तों। तो मैं इसको फिर यहाँ से पकड़ रहा हूँ, फिर मैं ऐसे दोस्तों ये लग चुका है, और देख रहे हैं कि आपको अंदर से ऐसे चमक रहा है किस तरह से। फिर मैं इसको लेंस इस पर फिट कर देता हूँ। हाँ, लेंस फिट अगर आपने खोल दिया है, तो लेंस फिक्स करते समय आपको ध्यान रखना है कि इस कैमरे को ऑन कर लेना है डिस्प्ले पे। उसके बाद इस पर आपको इसका होम पोजिशन जहाँ पे होता है वहीं पर सेट करना है, ये नहीं कि ऐसे कहीं रख देंगे तो ये आपका फिर कैमरा आपका ओके होकर भी आपका सही पिक्चर नहीं दे पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका एक होम पोजीशन होता है, जिसको आप डिस्प्ले लाकर ही इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर इसका ये जो ये कनेक्टर है, इसको मैं लगा देता हूँ। देखिए यहाँ पे साइड में आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है आईआर कट, यानी ये है आईआर कट एंड कैचर, तो इसका जो है यहाँ पे कनेक्टर लगेगा। ठीक है दोस्तों, फिर इसको हम एक और ये जो सिंगल है, इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं, जो सेंसर के लिए है। आप लिखिए, देखिए सी ऐसे लिखा हुआ है कुछ। फिर इसको हम फिट कर देते हैं इसके बॉडी पे, और ये देखिए आप यहाँ पे, ये जो है आपका वीडियो का केबल है, तो इसको हम सेट कर देते हैं यहाँ पे, देखिए। और देखिए ये मैंने लगा दिया है, फिर इसको आप ऐसे
फिर ये जो है आपका आईआर कट एंड कैचर इसमें फिट हो गया। फिर ये कनेक्टर आपको इसमें लगाने हैं, सारे लग गए हैं ठीक है। इसको बाद आपको फिट कर देना है बस, इसमें सारे हो गए। अब इसको ईजिली आपको इसमें फिट कर देना है, कोई नहीं है, आपको ईजिली एकदम ऐसे ईजिली फिट कर देना है। देखिए ये हो गया, इसमें पेंच लगा देते हैं, जैसे यहाँ पे ये हो गया। दोस्तों तो ये आपका ओके कसा गया है, टाइट हो चुका है। फिर इसको आपको ऐसे बैठा देना है इस पर। अगर देखिए अगर ये सही से नहीं बैठे तो इसके पोल आते हैं, एक छोटी छोटी सी पित्तल की जो होती है पोल आते हैं, उसको आप लगा के इसको और फिट कर सकते हैं। इसके बाद ये जो हमारा कैमरा का ढक्कन है इसको हम लगा देते हैं ईजिली। देखिए दोस्तों तो ये हमारा लग चुका है कैमरा, और देखिए मैं फिर असेंबल डिसेंबल कर चुका हूँ, इसको सारा चीज़ मैंने आपको बतला दिया है। फिर अगले वीडियो में किसी दूसरे कैमरे को आपको असेंबल डिसेंबल करके बतलाऊंगा फिर उसके बारे में। और ये आपको बता देता हूँ कि ये आपका डोम कैमरा है, डोम कैमरा है, ये ज़्यादातर घर के अंदर ही यूज होते हैं। तो ऐसे ही अलग अलग हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि कोई भी मैं वीडियो डालूँ तो आप तक तुरंत पहुँच जाए। और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।